हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान पार्ट 3 में पढ़ेंगे सेल स्थिरांक क्या होता है, मोलर चालकता क्या होता है, तुल्यांकी चालकता क्या होता है, सीमांत मोलर चालकता क्या होता है, कूल राउस का नियम क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं सेल स्थिरांक क्या होता है, सेल स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे हमने इसके पिछले लेक्चर वीडियो में आपको बताया था कि अगर किसी दो इलेक्ट्रोड को किसी सेल में डीप किया जाता है तो डीप करने के बाद से इसमें इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस डाल देंगे। इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस पदार्थ डालने के बाद से हम बताए थे इस इलेक्ट्रोड की जो लंबाई होगी 1 सेमी होगी और इस इलेक्ट्रोड का जो अनुप्रस्थ काट होगा एरिया जो होगा 1 सेमी स्क्वायर होगा। तो हम जानते हैं होता है यानी कप्पा बराबर हम पढ़े हैं 1/R(l/A) होता है। हम आपको बताए थे यह जो होगा स्थिर कर दिया जाता है जब किसी को इसकी परिभाषा बताना होता है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी होती है उसका जो घन आयतन निकाला जाता है, हमने बताया था ये 20 सेमी क्यूब हो जाता है। सेमी स्क्वायर का गुणा करेंगे सेमी क्यूब हो जाएगा। यह दोनों यानी इलेक्ट्रोड की लंबाई और इलेक्ट्रोड का जो एरिया होता है फिक्स कर दिया जाता है, स्थिर कर दिया जाता है, इसलिए स्थिरांक के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो पढ़ते हैं कप्पा बराबर 1/R(g)* हो जाता है। जी स्थिरांक को ही सेल स्थिरांक कहते हैं। एक बार और समझिएगा, इस रासायनिक अभिक्रिया में इस रासायनिक इलेक्ट्रोड में l/A को स्थिर कर दिया जाता है, हर जगह स्थिर होने के कारण इसको स्थिरांक के रूप में इंगित किया जाता है, इसीलिए इसको g* के रूप में लिखा जाता है। अब कप्पा बराबर कप्पा होता है चालकता 1/R(g)* को सेल कांस्टेंट या सेल स्थिरांक बोलते हैं। आगे हम आप पढ़े हैं जी बराबर यानी चालकत्व तो बराबर होता है 1/R यानी प्रतिरोध का उल्टा होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आगे पढ़ेंगे यानी हो जाएगा कप्पा बराबर होगा 1/R को हम यहाँ जी कहते हैं तो g*g हो जाएगा, जहाँ g जो होता है विलयन का चालकत्व तो होता है, g* जो होता है सेल स्थिरांक होता है। आगे देखेंगे हम पढ़ते हैं मोलर चालकता क्या होता है। मोलर चालकता होता है किसी दिए हुए वैद्युत अपघटक विलयन में उसमें 1 मोल वैद्युत अपघटक के आयनों से जो चालकता उत्पन्न होगी वह जो चालकता होगी मोलर चालकता कहलाती है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, दिए हुए वैद्युत अपघटक विलयन में किसी वैद्युत अपघटक पदार्थ के 1 मोल लेने पर उनके 1 मोल आयनों की जो चालकता होगी वह चालकता हमारा मोलर चालकता कहलाता है। इसको दिखाते हैं लेमडा लेमडा मोलर चालकता है तो इसमें यम डाल देते हैं मोलर चालकता के लिए, लेना यम हो जाता है होता है कप्पा इंटू भी। अब हम जानते हैं यह जो होता है सांद्रता पे निर्भर करता है तो मोलरता बराबर होता है यन गुणे 1000/V। यहाँ भी जो होगा ml में होगा। हमने आपको बताया है मोलर चालकता होता है 1 मोल पदार्थ लेने पर उनके आयनों की जो चालकता होगी वही उसकी मोलर चालकता कहलाती है यानी 1 मोल। तो यम बराबर हम रखेंगे यन का मान 1 हो गया तो 1/1000/V यहाँ ml में हो जाएगा। तो आगे देखेंगे हम लिख सकते हैं v ml बराबर 1000/m हो जाएगा। अब 1000/m को हम यहाँ पे रखेंगे तो पाते हैं लेमडा m बराबर आगे देखेंगे कप्पा इंटू 1000/m हो जाएगा। यह हमारा मोलर चालकता और चालकता के बीच में देखेंगे आगे देखेंगे आता ये हमारा फार्मूला होता है
मोलर चालकता बराबर होता है विद्युत चालकता गुणे 1000 बटे उस विलयन की सांद्रता। बात करते हैं तुल्यांकी चालकता क्या होती है, फिर वही किसी आयतन में, किसी निश्चित आयतन में किसी पदार्थ का जब एक तुल्यांक घुल जाएगा तो वहाँ उसकी उसके आयनों के बीच में जो चालकता उत्पन्न होगी वह चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, किसी निश्चित आयतन में किसी वैद्युत अवघटक पदार्थ का अगर एक ग्राम तुल्यांक घुला होगा, एक तुल्यांक घुला होगा, तो उनके आयनों के बीच में जो चालकता होगी वह चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तुल्यांकी चालकता को दिखाते हैं लैम्डा ई क्यू से दिखाते हैं, ये होता है कप्पा इंटू भी, यहाँ पर एम एल लिया जाता है, तुल्यांकी चालकता को नॉर्मलता में दिया जाता है, तो नॉर्मलता बराबर होता है ई क्यू गुणे 1000 बटे यहाँ पर जो होगा भी एम एल में लिया जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं भी एम एल बराबर ई क्यू गुणे 1000 बटे यन, जहाँ यन नॉर्मलता है, विलयन का आयतन है, यह आयतन एम एल में रहेगा, तो आगे हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखेंगे तो होगा ई क्यू बराबर हो गया कप्पा इंटू भी बराबर पढ़े हैं 1000 बटे यन, यहाँ यन जो होगा नॉर्मलता होगा, यानी तुल्यांकी चालकता बराबर हो गया कप्पा यानी चालकता गुणे 1000 बटे उस विलयन की सांद्रता, हमेशा नॉर्मलता में व्यक्त किया जाएगा, कब, जब तुल्यांकी चालकता पूछेगा तब। आगे देखते हैं सीमांत मोलर चालकता क्या होता है। अगर कोई पदार्थ होगा वैद्युत अवघटक पदार्थ होगा, इसके भी एम एल में अगर एक मोल कोई पदार्थ घुला है, तो एक मोल अगर मान लीजिए हमने NaCl घोल दिया, तो इस NaCl के आयनों के बीच में जो चालकता होगी वह उसकी मोलर चालकता कहलाएगी। अगर हम इसमें इस आयतन को बढ़ाते जाएं विलायक की मात्रा डालते जाएं, तो समय के साथ साथ सांद्रता घटती जाएगी। अगर बार बार यह क्रिया दोहराते जाएं, तो एक समय आएगा कि विलयन की सांद्रता यानी जीरो यानी सी हमारा जीरो के बराबर पहुंच जाएगा, यानी इस विलयन की कोई सांद्रता रही नहीं जाएगी। जैसे जैसे विलायक डालते जाएंगे, पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, विलयन की सांद्रता कम होती जाएगी। एक अवस्था ऐसी आएगी जब इस विलयन की चालक जो सांद्रता होगी वह शून्य की ओर अग्रसर हो जाएगी, नगर हो जाएगी, यानी उसके बराबर जीरो के बराबर हो जाएगी, तो उस समय इनके आयनों के बीच में जो चालकता उत्पन्न होती है उसे कहते हैं सीमांत मोलर चालकता। एक बार और समझिएगा, अगर किसी वैद्युत अवघटक पदार्थ के एक मोल में विलायक की मात्रा बार बार डालते जाएं तो विलयन की सांद्रता घटती जाएगी। बार बार यह क्रिया दोहराएंगे तो एक समय जो आएगा उस विलयन की सांद्रता शून्य की ओर बढ़ती चली जाती है, तो वहाँ पर उनके आयनों के बीच में जो चालकता उत्पन्न होगी वह चालकता हमारा सीमांत मोलर चालकता कहलाता है। अब यहाँ पर देखेंगे सीमांत हो गया कि इनफाइनाइट लगा देंगे, मोलर चालकता एम हो जाएगा, यही हमारा सीमांत मोलर चालकता कहलाता है। दोनों में अंतर देखिएगा, यानी लैम्डा एम और लैम्डा इनफाइनाइट एम में क्या होता है, यहाँ पर जो होता है विलयन का आयतन निश्चित होगा, यहाँ पर विलयन का आयतन निश्चित नहीं होगा, बार बार विलायक की मात्रा बढ़ता जाएगा, सांद्रता घटती जाएगी, सांद्रता घटते घटते एक समय जो सांद्रता होगी वह सीमांत की ओर चली जाएगी, तो वहाँ पर जो अनंत तनुता पर जो किसी विलयन की सांद्रता होती है वह सांद्रता सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। एक बार और समझिएगा, अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता ही उसकी सीमांत मोलर चालकता होती है। वहाँ पर सीमांत मोलर चालकता में विलयन की जो सांद्रता होती है लगभग जीरो के बराबर हो जाती है। अब आगे बात करते हैं कोलराउस का नियम क्या होता है। कोलराउस ने बताया था कि किसी अनंत सांद्रता यानी अनंत तनुता पर किसी विलयन की सीमांत मोलर चालकता यानी लैम्डा यम, सीमांत है इनफाइनाइट लगा देंगे, बराबर
उसके बिलियन में उनके अनंत तनुता पर उनके आयनों के बीच में योग के बराबर होता है। एक बार और समझिएगा, कोलराउस ने बताया था अनंत सांद्रता पर यानी अनंत तनुता पर जब मिलायक की मात्रा अधिक कर दिया जाता है तो जो उसकी बिलियन की जो सांद्रता होती है जिसे सीमांत मोलर चालकता कहते हैं उसमें अनंत तनुता पर उसके धनायनों और ऋणायनों के योग के बराबर हो जाता है। तो आगे लिखेंगे लेमटा इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत पे है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा भी प्लस प्लस लेमटा इनफाइनाइट हो जाएगा माइनस हो जाएगा भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ये स्मॉल लेमटा है जो सीमांत मोलर चालकता को व्यक्त करता है, यहाँ कैपिटल लेमटा है ये उनके आयनों के योग के बराबर होगा। यह हमारा कोलराउस नियम है। कोलराउस ने बताया था कि अनंत तनुता पर किसी बिलियन की मोलर चालकता सीमांत मोलर चालकता उस बिलियन में उपस्थित अनंत तनुता पर उनके आयनों का योग ही उस बिलियन की सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। बात करते हैं अगर यह सीएल का कोलराउस नियम से निकाला जाएगा तो हम जानते हैं यहाँ पर डेल इनफाइनाइट या सीएल बराबर हो जाएगा एच टूटेगा एच प्लस में सीएल टूटेगा सीएल माइनस में। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर इनफाइनाइट एच प्लस एक ही है तो यहाँ एक लिखें या न लिखें प्लस यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट यहाँ पर हो जाएगा सीएल माइनस एक। अब बात करते हैं अगर मान लीजिए Cl2 का कोलराउस नियम से पूछेगा तो लिखेंगे सीमांत कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर हो जाएगा बराबर हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे Ca पर दो प्लस चार्ज होता है एक ही परमाणु है एक लिख देंगे प्लस क्लोरीन के दो हैं यहाँ पर दो लगाएंगे यहाँ पर सीमांत लगा देंगे यहाँ पर भी लगाएंगे और देखेंगे क्लोरीन एक माइनस चार्ज देता है एक लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड की उसके कोलराउस नियम से अनंत तनुता पर उनके आयनों का अभिगमन। आज के लिए बस इतना ही, शेष हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।